था ये, कहाँ बता रहे हैं? यहाँ क्या था? वाइट था, वाइट हेयर था, था पर ख़त्म हो गया, वाइट हेयर था पूरा ब्लैक हो गया। और बाकी जगह पे फर्क दिख रहा है? मैं भी तो नहीं पता चल रहा है। नई टेक्नोलॉजी की डायग्नोसिस के तरीकों से और नए लेज़र टेक्नोलॉजी से, साथ ही नई दवाइयों से कुछ हम लोग ऐसे रिजल्ट्स पा सकते हैं जो पहले मुमकिन नहीं थे, जैसे कि सफ़ेद बालों को वापस काला कर सकना। इसके लिए जो दवाइयाँ होती हैं उन्हें लंबे समय तक लेना होता है। अगर आप 6 महीने तक ले लेंगे तो बाल वाइट होना रुक जाएंगे और उसके बाद उनमें कलर चेंज होना शुरू होता है। नीचे के हिस्से से रूट से ब्लैक कलर आना शुरू होता है। तो 7-8 महीनों बाद आपको कुछ बाल ऐसे दिखने लगेंगे जो ऊपर से वाइट हैं लेकिन नीचे से ब्लैक हो गए। वाइट हेयर के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, तो हेयर वाली प्लेलिस्ट में उनको देखिए। कुछ ऐसे बाल भी दिखाए हैं कुछ वीडियो में जो ऊपर से वाइट है और नीचे से ब्लैक हैं। इस केस में तो पूरी तरह से वाइट हेयर शेडिंग की वजह से जा चुका है और उसकी जगह पर ब्लैक हेयर आ चुका है। तो इस तरह से हम दवाइयों के ज़रिए न सिर्फ वाइट हेयर को ब्लैक कर सकते हैं बल्कि वाइट होने का प्रोसेस भी रोक सकते हैं।